इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह विंडोज 10 लैपटॉप में स्टार्ट मेनू में स्पीच रिकग्निशन को किस तरह पिन कर सकते हैं। अभी मैं स्टार्ट मेनू पर क्लिक करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां कैमरा दिखा रहा है, दिस पीसी दिखा रहा है। मुझे यहां पर स्पीच रिकग्निशन को भी लाना है, तो किस तरह हम स्टार्ट मेनू में स्पीच रिकग्निशन को पिन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको टाइप हियर टू सर्च में इंटर करना है कंट्रोल पैनल। और फिर इसे ओपन करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। फिर आपको व्यू बाय कैटेगरी पर क्लिक करना है और यहां से लार्ज आइकन्स को सिलेक्ट करना है। यहां पर आपको दिखाई देगा स्पीच रिकॉग्निशन। आपको इस पर आकर राइट क्लिक करना है माउस से और पिन टू स्टार्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको इसे क्लोज करना है। और अब मैं दोबारा से स्टार्ट मेनू पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहां पर स्पीच रिकॉग्निशन आ गया है।